इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र में रहने वाली एक 9वीं क्लास की छात्रा ने लगाई फांसी। आत्महत्या का कारण बना हुआ है अज्ञात। पुलिस ने मर्ग कायम कर शुरू की विवेचना। द ग्रेट माचल रिसोर्ट में की गई कार्रवाई। इस दौरान 500 से अधिक लोग मना रहे थे पार्टी। K10 रेस्टोरेंट पर 10,000 की गई चालानी कार्रवाई। अलीराजपुर में मन्नत लेने भर से खत्म होता है कुपोषण। 60 सालों से चली आ रही है यह परंपरा। हर साल आते हैं बड़ी संख्या में यहां पर लोग। 25 फीट ऊंचाई पर लटक कर उतारी जाती है मन्नत। सिवनी साईं साकार धाम बाबरिया रोड स्थित कॉलोनी में 29 मार्च को होली महोत्सव के दौरान धूमधाम के साथ हुए आयोजन। क्षेत्र भर के लोगों ने लिया हिस्सा। उड़नताल मंदिर में चोरी करने वाले चोर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, तो बड़ी सफलता हुई यहां हासिल। 3 आरोपियों को किया गया है गिरफ्तार। स्थानीय नवलपुरा में धुलेड़ी पर गाड़ी खिंचाई का हुआ आयोजन। कोरोना के मद्देनजर सीमित संख्या में लोग हुए शामिल, तो इस दौरान आस्था के गाड़ा खिंचाई का हुआ आयोजन। गांव के मेन रोड पर कीचड़ भरी है सड़क, तो वहीं आमजन है परेशान। सुजालपुर क्षेत्र का है यह मामला। कालापीपल विधानसभा की गांव के हाल हैं बेहाल। इंदौर की वन विभाग टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 शिकारियों को पकड़ने में सफलता की हासिल, तो वहीं मौके से 3 आरोपी हुए फरार। डॉक्यूमेंट्री मूवी से जुड़े हुए मुंबई के कलाकार एयरपोर्ट पर पकड़ाए। चिंकारा के सींग मुंबई ले जा रहे थे आरोपी। इंदौर में लगातार सड़क हादसे आ रहे हैं सामने, तो वहीं सड़क हादसों में मौत की घटनाएं भी आ रही हैं सामने। ताजे मामले में सड़क हादसे में उपचार के दौरान 13 वर्षीय बच्चे की हुई मौत।